हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक बिल्कुल ही नया अपडेट व्लॉग, जो कि है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल पर। 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक बनने वाले दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर को मार्च 2025 तक ऑपरेशनल किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मेरठ से दिल्ली के सराय काले खां तक की दूरी मात्र 55 मिनट में तय की जा सकेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 3 फेसेस में किया जा रहा है, जिसमें से फेस 1 गाजियाबाद के साहिबाबाद से शुरू होकर दुहाई तक बनना है, जिसकी डेडलाइन है 2023, यानी कि आपको और हमें अब से ठीक एक साल बाद देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क यानी कि रैपिड रेल पर यात्रा करने का। और इसी के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य अपनी पूरी तेज गति के साथ चल रहा है। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की स्टार्ट मैं कर रहा हूँ मोदी नगर से। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोदी नगर जहाँ अपनी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी फेमस है, वहीं जैन शिकंजी के लिए भी काफ़ी फेमस रहा है। बट उससे भी बढ़कर मोदी नगर में प्रसिद्धि का एक और कारण रहा है, वो है यहाँ का ट्रैफिक जाम। हालांकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने के बाद मोदी नगर एरिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बट रैपिड रेल के काम शुरू होने के बाद जो बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद जो यहाँ की रोड है वो भी काफ़ी नैरो हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होना तो स्वाभाविक है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से मेरठ के शताब्दी नगर तक, और लेने वाले हैं अपडेट दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के पैकेज 3 के पार्ट 2 का। हमें अभी मोदी नगर में अंबर सिनेमा के पास और आप सामने की साइड रैपिड रेल का कंस्ट्रक्शन वर्क होता हुआ देख भी पा रहे होंगे, नीले रंग की क्रेन यहाँ पे लगी हुई है। दोस्तों, ये है एग्जैक्ट लोकेशन मोदी नगर नॉर्थ रैपिड रेल स्टेशन की, और इसी रैपिड रेल स्टेशन से ही शुरू होता है पैकेज 3 का पार्ट 2। मोदी नगर में 2 रैपिड रेल स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, जिसमें मोदी नगर साउथ सीकरी बाग के पास है, और ये दूसरा मोदी नगर नॉर्थ RRTS स्टेशन अंबर सिनेमा के पास, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आपको यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का पैकेज 3 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के दुहाई इंटरचेंज से शुरू होकर मेरठ के शताब्दी नगर तक जाता है। बट चूंकि ये पैकेज काफ़ी लंबा है, तो इसी वजह से इस पैकेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पैकेज 3 के पार्ट 1 में जहाँ 2 RRTS स्टेशन मुरादनगर और मोदी नगर साउथ का निर्माण कार्य होना है, वहीं पैकेज 3 के पार्ट 2 में 5 RRTS स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, जिनमें मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, परतापुर, रिठानी और शताब्दी नगर शामिल हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी है LNT और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 1097 करोड़। इस पूरे 82 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में मोदी नगर ही एक ऐसी जगह थी जहां पर काम काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ। इसके भी रीज़न थे। दिल्ली से मेरठ के बीच बसा मोदी नगर जहां पहले ही काफ़ी कंजस्टेड एरिया था और जाम की समस्या यहां पर बहुत ज़्यादा थी, और कोई अल्टरनेटिव रूट भी नहीं था दिल्ली से मेरठ के लिए, तो पहले इंतज़ार किया गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कंप्लीट होने का। और उसके बाद मोदी नगर में जल निगम का कार्य स्टार्ट हुआ, जिसे भी 1 साल के करीब वक्त लगा। तो उन दोनों प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद ही दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वह मोदी नगर के अंदर स्टार्ट हुआ। बट उसके बाद तो यहाँ पर काम में जो तेज गति देखी गई, और कंपनी भी LNT है जो कि अपने बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और तेज गति के लिए जानी जाती है, उसने अपना काम यहाँ पर पूरी तेज गति के साथ शुरू किया, और अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। काफ़ी पिलर्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मोदी नगर के अंदर बनने वाले दोनों स्टेशन अपने आकार में आने शुरू हो गए हैं और बहुत जल्द अपने पूर्ण आकार भी ले लेंगे। डेडलाइन है 2025 इस पूरे स्ट्रेच की, आप देख भी सकते हैं सामने पिलर्स की एक लंबी लाइन।
दोस्तों, दिल्ली की तरफ से आती हुई रैपिड रेल गाजियाबाद मोदी नगर नॉर्थ होते हुए यहाँ पर मेरठ की सीमा में प्रवेश करेगी और आप पिलर्स देख सकते हैं काफ़ी दूर तक तैयार हो चुके हैं। और यहाँ मेरे सामने है एक लॉन्चर जो कि पिलर्स पर सेगमेंट बाई सेगमेंट जोड़ता हुआ, पिलर्स टू पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ मोदी नगर नॉर्थ की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए कितना काम इस सेगमेंट पर भी हो चुका है, कई पिलर्स के बीच पर यहाँ पर ऊपर सेगमेंट तैयार हो चुके हैं और उनके ऊपर जो सिक्योरिटी वॉल बनाई जानी है वो भी साथ के साथ ही तैयार की जा रही है। हर कंपनी अपने हिसाब से ही जो उनके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है उस हिसाब से ही वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। एप्को इन्फ्रा जिसने क्योंकि फेज़ वन पे कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रही है उसने सेफ्टी वाल सबसे लास्ट में इंस्टॉल की, बट यहाँ पे एलएनटी साथ के साथ ही सेफ्टी वाल भी इंस्टॉल कर रही है। और यहाँ देखिए इसी सेक्शन में ये दूसरा लॉन्चर जो कि मेरठ की दिशा में पिलर्स पर सेगमेंट बाई सेगमेंट को जोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी एक साथ दो लॉन्चर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और यही वजह है कि कार्य काफ़ी तेज गति से होता हुआ दिख भी रहा है। हम पहुँचे हैं मेरठ के मोहिद्दीनपुर में और यहाँ पर जो एक फुट ओवर ब्रिज है उसकी थोड़ी सी छत भी हटा दी गई है ताकि जब लॉन्चर यहाँ पर पहुँचेगा तो सेगमेंट को सेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट साइड में है मेरे मोहिद्दीनपुर शुगर मिल, बैरिकेडिंग की वजह से आपको दिखा नहीं सकता, काम यहाँ पे अगर आप देखें तो दूर तक आपको पिलर्स की एक लंबी लाइन नज़र आएगी जो कि पिलर्स पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, ऊपर कैपिंग सब हो चुकी है, वेट है सिर्फ लॉन्चर की। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपको सामने की साइड एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, एक और प्रोजेक्ट सामने भी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है भारतीय रेलवे का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि लुधियाना से शुरू होकर कोलकाता तक जाएगा और मेरठ में इस जगह से नेशनल हाईवे 58 को क्रॉस करेगा। साथ ही अब थोड़ा आप भी इमेजिन कीजिए कि कितने बड़े प्रोजेक्ट एक साथ यहां पे होंगे, नीचे नेशनल हाईवे 58, उसके ऊपर से निकलती हुई मालगाड़ी का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और उसके ऊपर से ओवर पास होता हुआ दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर। उस यही कारण है कि यहाँ पर पिलर्स की हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। हम मेरठ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ देखिए एक बोर्ड गाजियाबाद और दिल्ली की ओर जाने वाला भी आगे की दिशा में दिखा रहा है क्योंकि थोड़ी सी आगे जाके यहाँ से शुरू हो रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि बिल्कुल एक नया अलाइनमेंट है। ग्रीनफील्ड होता हुआ वो गाजियाबाद होता हुआ दिल्ली की ओर जाएगा तो उसका जो बोर्ड है दिल्ली के लिए वो इस दिशा में भी लगाए गए हैं। वेल, राइट साइड में आप पिलर्स देखिए, ये है एग्जैक्ट लोकेशन मेरठ साउथ आरआरटीएस स्टेशन की। दोस्तों यहाँ मेरठ में इस रैपिड रेल की एक अलग थोड़ी स्टोरी है, साथ में कुछ और स्टोरी ऐड हुई हैं। यहाँ पर रैपिड रेल आरआरटीएस और एमआरटीएस के नाम से जानी जाएगी, यानी रैपिड रेल और मेट्रो रेल। जी हाँ दोस्तों, मेरठ में जो मेट्रो का प्रस्ताव है, मेट्रो रेल जो कि आप जानते ही हैं कि शहर के अंदर डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए बनाई जाती हैं, रैपिड रेल के ट्रैक पर ही मेरठ मेट्रो को भी चलाने का प्रस्ताव है। कुल 12 स्टेशन इस प्रोजेक्ट में मेरठ में बनने हैं। अगर मैं पैकेजों की बात हटा दूं तो मेरठ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक कुल 12 स्टेशन बनने हैं जिसमें से 6 स्टेशन आरआरटीएस के होंगे और एमआरटीएस मेरठ मेट्रो की बात करूं तो 12 स्टेशन ही मेट्रो स्टेशन के लिए बनाए जा रहे हैं। यानी मेट्रो स्टेशन तो जो मेट्रो रेल है वो तो हर स्टेशन पर रुकेगी, बट रैपिड रेल मेरठ के अंदर सिर्फ 6 स्टेशन पर ही रुकेगी। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का प्रतापपुर इंटरचेंज और दिल्ली की साइड से आती हुई रैपिड रेल इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को ओवरपास करते हुए राइट साइड में मुड़ जाएगी। बहुत ही शानदार ये प्रतापपुर का इंटरचेंज यहाँ पर बनाया गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए और रैपिड रेल इसी इंटरचेंज को यहाँ से जो ओवरपास करेगी तो वो राइट साइड में मेरठ शहर की दिशा में चली जाएगी। हम आगे से इस अंडरपास के थ्रू मेरठ शहर की ओर बढ़ेंगे।
यहाँ से लेंगे राइट टर्न, सीधे जाएंगे तो नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास है और हमने अब राइट टर्न लेकर मेरठ शहर में चले जाएंगे। रैपिड रेल हमारे राइट साइड से होते हुए शहर की ओर जाएगी, यहाँ पर मेरठ दिल्ली रेलवे लाइन को ओवरपास करेगी, वो हम भी उसी ब्रिज पर हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरठ शहर में। ये दिल्ली मेरठ मेन रेलवे लाइन और इसी को पार करेगी रैपिड रेल हमारे राइट साइड से। और मेरठ में आगे बढ़ते हुए ये आप सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का प्रतापपुर MRTS स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, RRTS स्टेशन के बाद अब आप यहाँ MRTS स्टेशन भी देखें, क्योंकि रैपिड रेल MRTS स्टेशन पर नहीं रुकेगी, सिर्फ जो मेरठ मेट्रो चल रही है वो ही इन स्टेशन पर आकर रुकेगी। टोटल 4 ट्रैक होंगे इस स्टेशन पर, 2 रैपिड रेल के लिए और 2 मेरठ मेट्रो के लिए। स्टेशन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे अपना रूप लेता हुआ, तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और मेरठ शहर की ओर जाते हुए ये पहला लॉन्चर जो कि मेरठ के अंदर शहरी क्षेत्र में इंस्टॉल किया गया है, जो कि पिलर्स बाय पिलर्स सेगमेंट को जोड़ता हुआ प्रतापपुर MRTS स्टेशन की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा इन सेगमेंट के लगने के बाद, और मेरठ वालों के लिए तो बहुत ही सुखद नज़ारा, क्योंकि बहुत इंतज़ार किया इस रैपिड रेल का, इस मेट्रो का मेरठ वालों ने, और जिस तेज़ गति से काम चल रहा है उससे तो उम्मीद है कि आने वाले एक साल तक सेगमेंट का काम तो लगभग पैकेज 3 में कंप्लीट हो ही जाएगा। बट वो एकमात्र लॉन्चर नहीं था, राइट साइड में यहाँ पे दूसरा लॉन्चर भी कार्य कर रहा है जो कि मेरठ शहर की दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी 2 लॉन्चर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं दोनों दिशा में। और यहाँ आगे एक छोटा सा डाइवर्जन, और ये है लोकेशन रिठानी RRTS स्टेशन की, या रिठानी MRTS स्टेशन भी कह सकते हैं। अब जब यहाँ पे ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, पूरा तैयार हो जाएगा, तभी एक बार कंफर्म हम कह सकते हैं कि ये मेट्रो स्टेशन है या ये रैपिड रेल स्टेशन है, क्योंकि टोटल 12 स्टेशन मेरठ के अंदर बनाए जाने हैं, जिसमें से 6 स्टेशन ही RRTS स्टेशन होंगे और बाकी सारे MRTS स्टेशन होंगे। हालांकि जैसा कि आपको पहले ही बताया कि मेट्रो तो हर स्टेशन पर रुकेगी, सारे 12 स्टेशंस पर मेरठ साउथ से मेरठ के मोदीपुरम तक, बट रैपिड रेल चुनिंदा 6 स्टेशन पर ही रुका करेगी। ये रिठानी स्टेशन था, प्रतापपुर के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा काम अभी कम हुआ है, बट स्ट्रक्चर धीरे धीरे यहाँ पर भी तैयार होता हुआ। और उसके आगे यहाँ पर पियर कैप जो ऊपर टी शेप बनती है, कैपिंग का कार्य होता हुआ, तो जब तक यहाँ पर भी लॉन्चर पहुँचेगा तो तब तक ये भी पिलर्स तैयार हो जाएंगे। और थोड़े से आगे बढ़ के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पिलर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें ये 2 लाइंस के लिए नहीं है, क्योंकि ठीक इस जगह से रैपिड रेल सेंटर के डिवाइडर सेट के राइट साइड में चली जाएगी, और ये जो आप लोहे का जाल देख रहे होंगे, एक शटरिंग जो लगाई जा रही है, यहाँ पर भी एक लॉन्चर के सेटअप करने की पूरी तैयारी है। आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर भी लॉन्चर का सेटअप कर दिया जाएगा। और रोड से राइट साइड से जाती हुई रैपिड रेल मेरठ हापुड़ रेलवे लाइन को ओवरपास करेगी। ये है मेवला रेलवे ओवर ब्रिज, मेवला ब्रिज के नाम से मशहूर। इस ब्रिज को पार राइट साइड से रैपिड रेल पार करते हुए आगे की ओर बढ़ेगी, और यहाँ पे आके रैपिड रेल दोबारा पिलर्स के थ्रू सेंटर में आ जाएगी, बीच के डिवाइडर पर आ जाएगी, और यहीं से थोड़ी सी ही आगे रामलीला ग्राउंड के पास ही
निर्माण कार्य चल रहा है शताब्दी नगर RRTS स्टेशन का, शताब्दी नगर रैपिडेल स्टेशन का। बट वहाँ पर अभी चूंकि जगह काफ़ी कंजस्टेड है तो रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, ट्रैफिक सारा यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट नगर की ओर। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन जय हिंद।